समाजवादी पार्टी की जंग में शिवपाल का अखिलेश को जवाब, आज तक से कहा वो समझदार हैं, सब जानते समझते हैं, लखनऊ में करूंगा अखिलेश से मुलाकात, बाहरी दखल की बात की खारिज। आज तक से बोले शिवपाल, समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक ही बॉस मुलायम सिंह, कल दिल्ली में मुलायम से 2 घंटे तक की खास गुफ्तगू। शिवपाल अखिलेश के बीच झगड़ा सुलझाने के लिए मुलायम ने किया था दिल्ली तलब, लेकिन नहीं आए यूपी के सीएम। शिवपाल के साथ झगड़े पर अखिलेश यादव ने तोड़ी चुप्पी, लखनऊ में कहा सरकार में झगड़ा परिवार में नहीं। शिवपाल से अहम पद छीनने पर अखिलेश का बयान, कहा कुछ फैसले नेताजी से पूछकर लिए गए और कुछ खुद से लिए। अखिलेश के बयान पर चेन्नई में अमर सिंह की सफाई, कहा मुझे सीएम ने नहीं कहा बाहरी, परिवार में मुलायम की बातें सर्वोपरि। सैफई से लेकर दिल्ली तक शिवपाल यादव ने दिखाई ताकत, कार्यकर्ताओं ने समर्थन में लगाए नारे। अखिलेश ने सूबे के 23 आईएएस अफसरों का किया तबादला, कई जिलों के डीएम बदले तो कई विभागों के विशेष सचिवों का भी तबादला। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अंदरूनी झगड़े को बताया नौटंकी, कहा अखिलेश की इमेज बनाने के लिए रूठने का चल रहा है काम। समाजवादी पार्टी के झगड़े पर कांग्रेस ने ली चुटकी, आरपीएन सिंह ने कहा यह झगड़ा चुनाव के बाद विपक्ष की कमान संभालने को लेकर। शहाबुद्दीन के शूटर मोहम्मद कैफ के साथ तस्वीर सामने आने पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप की सफाई, कहा हजारों लोग खिंचवाते हैं तस्वीर, सबको नहीं जानता। तेज प्रताप ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, टीनू जैन के साथ मोदी की तस्वीर फेसबुक पर डाली, सेक्स रैकेट चलाने का आरोपी है टीनू। तेज प्रताप के साथ शहाबुद्दीन के शूटर की तस्वीरों पर जागी सिवान पुलिस, उगाही के पुराने केस में गिरफ्तार करने पहुंची टीम, सरेंडर नहीं करने की सूरत में कुर्क होगी जायदाद। तेज प्रताप के साथ शूटर मोहम्मद कैफ की तस्वीरों पर रामविलास पासवान का निशाना, बिहार में फिर आने वाला है जंगल राज। शहाबुद्दीन मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा जब बोए बबूल तो आम कहां से आएंगे। सिवान में शार्प शूटर मोहम्मद कैफ ने पत्रकार राजदेव रंजन से अच्छे रिश्ते का किया दावा, पत्रकार की शादी में शामिल होने का दिखाया वीडियो। पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड की जांच के लिए सीबीआई जाएगी सिवान, मामले को अपने हाथ में लेकर करेगी जांच। शहाबुद्दीन की रिहाई के खिलाफ बिहार में एनडीए का धरना प्रदर्शन, सुशील मोदी ने कहा पूरे बिहार में डर का माहौल। शहाबुद्दीन की रिहाई पर पटना से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन, जेएनयू में छात्रों ने किया विरोध, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर की हत्या का शहाबुद्दीन पर है आरोप। किसान यात्रा के अगले दौर में आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे इलाहाबाद में रोड शो, कौशाम्बी में होगी खाट सभा। राहुल गांधी ने कल रात इलाहाबाद के अपने पुश्तैनी घर स्वराज भवन में बिताई रात, घर पहुंचने पर समर्थकों ने नारेबाजी के साथ किया स्वागत। यूपी के मिर्जापुर में राहुल गांधी की रैली में खटिया लूट की कोशिश नाकाम, गुस्से में लोगों ने कहा खटिया नहीं तो वोट नहीं। मिर्जापुर में किसान यात्रा के दौरान राहुल ने मां विंध्यवासिनी मंदिर में की पूजा अर्चना, विजिटर्स बुक में लिखा आगे फिर आऊंगा। स्मृति ईरानी डिग्री केस में आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई, डिग्री के बारे में ठोस सबूत नहीं मिलने पर कोर्ट से खारिज हो सकती है याचिका। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टरों और मरीज के परिजनों में झड़प, झड़प के बाद डॉक्टर हड़ताल पर गए, रात करीब 3 बजे वापस ली हड़ताल। पुरानी दिल्ली से इलाज के लिए आए नदीम और उसके भाई की डॉक्टर से किसी बात पर हुई थी झड़प, झड़प के बाद डॉक्टरों और गार्ड ने की पिटाई। पुलिस ने पेशेंट के भाई को हिरासत में ले लिया, डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को भी हुई परेशानी। दिल्ली में चिकनगुनिया का कहर जारी, अब तक 11 लोगों की मौत, अपोलो में 5, गंगाराम में 4, एम्स और हिंदूराव अस्पताल में 1-1 मरीज की मौत। डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने उठाया कदम, सभी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां की रद्द। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में 73 साल के बुजुर्ग के घर में घुसकर हत्या, घर से कुछ सामान भी है गायब। दिल्ली की रहने वाली युवती से गोवा में 3 युवकों ने किया गैंगरेप, 2 महीने बाद युवती ने थाने में की शिकायत, पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के मेरठ में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने दुकानदार की गोली मारकर की हत्या, हत्या के पहले एक दूसरे व्यापारी से भी की थी करीब 2.5 लाख की लूट। बिहार के गोपालगंज में रिलायंस की जियो सिम को लेकर जेडीयू नेता ने मोबाइल दुकानदार को जमकर पीटा, एक्टिवेशन में हो रही थी देरी, मारपीट करने वाले जेडीयू नेता का नाम सैफुद्दीन अंसारी। यूपी में मथुरा के बरसाना में बड़ा हादसा टला, मटकी फोड़ लीला के दौरान भगदड़, कुछ श्रद्धालु हुए चोटिल।
गुड़गांव की हाई प्रोफाइल सोसाइटी में बुजुर्ग महिला की हत्या। हत्या के बाद लाखों की लूट। वारदात के वक्त घर में अकेली थी महिला। फरीदाबाद में खर्च के लिए बेटे से रुपए मांगने पर बेटे ने किया मां का कत्ल। सिर पर डंडे से किया था जानलेवा वार। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में सरकारी स्कूल के अंदर एक महिला टीचर पर हमला। एक युवक और महिला ने हेलमेट और लात घूंसों से टीचर को पीटा। पुलिस ने दर्ज किया केस। प्रत्युषा बैनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल राज के खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज। मुंबई की एक मॉडल और अभिनेत्री ने होटल में छेड़खानी का लगाया आरोप। कुशीनगर में एक सनकी शख्स ने अपनी पत्नी बेटी और सास पर किया कुल्हाड़ी से वार। तीनों की हालत गंभीर। आरोपी पुलिस हिरासत में। राजस्थान पुलिस के जालौर में अब ज्वेलर की हत्या की गुत्थी सुलझाई। सोने के लालच में एक दूसरे ज्वेलर ने रची थी हत्या की साजिश। मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला तस्करी रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। धौलपुर में यात्री बस में 2 महिलाओं से बदमाशों ने हथियारों के बल पर की छेड़छाड़ और लूटपाट। लूटपाट के बाद आरोपी फरार। पुलिस ने दर्ज किया केस। राजस्थान के चुरू में एनएसयूआई नेता के जुलूस में जमकर उड़ी कानून की धज्जियां। काफिले की कई गाड़ियों पर लगी थी लाल बत्ती। घंटों लगा रहा जाम। धौलपुर के कासगंज गांव में बारिश के लिए कड़ी धूप में 2 दिन से तप पर बैठी थी 9 छात्राएं। पुलिस ने खेत में तप कर रही छात्राओं को हटवाया। मथुरा में तेजाब कांड में घायल लड़की ने अस्पताल में तोड़ा दम। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव। बिहार के बेगूसराय में बरौनी पटना रेलखंड पर हंगामा। एक शख्स की मौत से भड़के लोग। राजस्थान के बीकानेर में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल। गाड़ियों में तोड़फोड़ और पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कानपुर जिला अस्पताल में बच्चे की मौत पर परिजनों का हंगामा। डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। मुंबई से सटे विरार में फर्जी बाबा की जमकर पिटाई। इच्छा पूरी करने के नाम पर लोगों को लगाते थे चूना। पुलिस कर रही है जांच। मुंबई से सटे थाने में 100 करोड़ की संपत्ति के लिए भाई ने ली चचेरे भाई की जान। पुलिस ने दर्ज किया मामला। आगरा में प्रेमिका को जिंदा जलाने वाला प्रेमी गिरफ्तार। बुरी तरह घायल लड़की को इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया। दिल्ली में एमबी रोड पर दादा के साथ स्कूल जा रहे भाई बहन को डीटीसी बस ने कुचला। 6 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत। रोहतक में 70 पिस्तौल और 30 कारतूस के साथ 3 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। 4 लोगों ने हत्या की रची थी साजिश। अलवर में प्रेमी के साथ बेटी के भागने से दुखी होकर पिता ने की खुदकुशी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई के गिरगांव चौपाटी इलाके में 2 युवकों ने एक पुलिस कांस्टेबल को पीटा। कांस्टेबल ने यू टर्न लेने से रोका था। आरोपी गिरफ्तार। शीना बोरा मर्डर मामले में इंद्राणी की मुश्किलें नहीं हुई कम। इंद्राणी संजीव खन्ना और पीटर मुखर्जी की न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ी। पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से पर शिवसेना ने सामना में साधा निशाना। कहा जो बोया वही काट रहे हैं खड़से। शिवसेना ने मेडिकल इंजीनियरिंग के कोचिंग संस्थानों पर की कार्रवाई की मांग। मनमानी फीस वसूलने का लगाया आरोप। बिहार के दानापुर से बीजेपी विधायक आशा सिन्हा का बेटा सचिदानंद अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान हुई गिरफ्तारी। दिल्ली के दरियागंज में कंपनी के कर्मचारी से 40 लाख की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने लूट को दिया अंजाम। दिल्ली में बड़े गोदामों और दुकानों को निशाना बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश। गैंग का सरगना बिहार के चंपारण से गिरफ्तार। अयोध्या में राम मंदिर और जनसंख्या के लिए सख्त कानून की मांग को लेकर चित्तौड़गढ़ में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। सांसद और विधायक के आश्वासन के बाद नीचे उतरा। उधम सिंह नगर में सितारगंज में 2 दिनों से भूख हड़ताल पर सजायाफ्ता कैदी। सेंट्रल जेल में सजा माफी की मांग कर रहा है कैदी कुलवंत सिंह। पन्ना में खाना नहीं मिलने पर हॉस्टल छोड़कर भागे छात्र। एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। बिहार के दरभंगा में श्यामा मंदिर से 2 दान पेटी लेकर फरार हुए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। भीलवाड़ा में शातिर वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश। चोरी की 74 बाइक के साथ 5 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री पर छापा 2 लोग गिरफ्तार। कोलकाता में कुत्तों की वजह से युवक की गई जान। कुत्ते से बचने के लिए भागने के दौरान 4 मंजिला इमारत से गिरकर मौत। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्कूल में कमेटी बनाने को लेकर बवाल। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की फायर। कावेरी विवाद से झुलसते बेंगलुरु में काबू में हालात। सभी थाना क्षेत्रों से हटा कर्फ्यू। सुरक्षा बलों ने निकाला मार्च। कावेरी विवाद पर 16 सितंबर को तमिलनाडु बंद। कर्नाटक में तमिलों पर हुई हिंसा का करेंगे विरोध। जूनागढ़ में लकी ड्रॉ के दौरान जमकर हंगामा और द्रवियों ने जमकर की तोड़फोड़। बीजेपी नेता भूपत डाभी चला रहे थे इनामी स्कीम। धोखाधड़ी की खबरों के बाद फूटा लोगों का गुस्सा।
ओडिशा के कटक में डेंगू से 9 लोगों की मौत, 5183 मामले अब तक आ चुके हैं सामने। मुंबई समेत देश भर में आज हो रहा है गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन। विसर्जन को देखते हुए मुंबई में जुहू और गिरगांव चौपाटी पर किए गए हैं सुरक्षा के खास इंतजाम। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में वीआईपी भक्तों ने लगाई हाजिरी, एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे और अभिनेता ऋषि कपूर ने किए दर्शन। मुंबई में बर्फ से बनाई गई भगवान गणेश की प्रतिमा, करीब 300 किलो बर्फ से बनाई गई 5.5 फीट की प्रतिमा। अहमदाबाद में गणेश पंडाल में लिखा अजीबोगरीब वाक्या, बाप्पा के पैरों के आगे चढ़ाए पैसों को चूहे ने छुपाया। ठाणे में अनूठे गणेश पंडाल में उमड़ी भक्तों की भीड़, 120 फीट के रामेश्वरम मंदिर के तर्ज पर बनाया गया पंडाल। बिलासपुर में अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम में जलते अंगारों पर चले आईजी और महिला एसपी, लोगों से जादू टोने में विश्वास न करने की अपील। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में ग्रामीणों ने बिजली के तार से टेमरू नदी पर बनाया स्थायी पुल, रोजाना इसी के सहारे एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं ग्रामीण और छात्र। बुलढाणा में नारायण गांव कस्बे में एक धार्मिक कार्यक्रम में खाना खाने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत, बीमार गंभीर हालत में 2 अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के झाबुआ में कन्या परिसर की 15 लड़कियां खाने के बाद हुई बीमार, फूड पॉइजनिंग के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के वैशाली में पुलिसकर्मियों ने शव से की बदसलूकी, रस्सी में बांधकर शव को 200 मीटर खींचा, सब इंस्पेक्टर निलंबित। दुनिया की सबसे महंगी टीवी एक्ट्रेस की लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा को 8वां स्थान, फोर्ब्स पत्रिका ने जारी की लिस्ट। फिल्म तुम बिन पार्ट 2 का फर्स्ट लुक और टीजर रिलीज, 15 साल पहले आई अनुभव सिन्हा निर्देशित फिल्म तुम बिन का सीक्वल है तुम बिन पार्ट 2। तुम बिन 2 से बॉलीवुड में कमबैक कर रही एक्ट्रेस नेहा शर्मा, कहा फिल्म में मिला एक्टिंग टैलेंट दिखाने का मौका। बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी सुल्तान और फैन, केजरीवाल पर बनी डॉक्यूमेंट्री, इनसिग्निफिकेंट मैन का भी होगा प्रदर्शन। दिलेर मेहंदी ने गाया आमिर खान की फिल्म दंगल का टाइटल ट्रैक, 23 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। ताइवान के हेंगचुन शहर में मेरांती तूफान का कहर, 263 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने 5 लाख लोगों को किया प्रभावित। चीन के जिनजियांग प्रांत में पहाड़ों पर हुई बारिश से निचले इलाकों में आई अचानक बाढ़ से फंसी कई गाड़ियां, स्थानीय दमकल कर्मियों ने 13 लोगों को सुरक्षित बचाया। अमेरिका के एरिजोना में फीनिक्स शहर में एक कार चालक ने 3 पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। चीन ने भारत के साथ हुई परमाणु वार्ता को सकारात्मक बताया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की एंट्री के लिहाज से अहम मानी जा रही दोनों देशों की बातचीत। उत्तरी चीन के हेबई प्रांत में क्विनहुंडाओ सिटी में इंटरनेशनल पेट कार्निवल का आयोजन, एक से बढ़कर एक कुत्तों ने लिया हिस्सा। सच से डर गया पाकिस्तान, लाहौर हाईकोर्ट की मनाही के बावजूद इंडिया टुडे की वेबसाइट को किया ब्लॉक। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ पर कवर स्टोरी को लेकर एक वकील ने लाहौर हाईकोर्ट में लगाई थी अर्जी, हाईकोर्ट ने कहा था सिर्फ संसद के बाद ही साइट ब्लॉक करने का अधिकार। पीओके और बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन पर यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भारत ने पाक को दिखाया आईना, पाक ने उठाया था कश्मीर का मुद्दा। यूएनएचआरसी में बोले भारतीय राजदूत अजीत कुमार, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से गैरकानूनी तरीके से कब्जा वाले हिस्से को खाली कराना बाकी। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री कॉलिन पावेल ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया राष्ट्रीय शर्म और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अछूत।